AudioJungle. आज मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रेवी मशीन के बारे में। ये मशीन ज़्यादातर यूज होता है होटल लाइन में, यूज़ होता है बाद में केटरर्स में, या फिर जहाँ पे बड़े से लंगर चलते हैं, या फिर आर्मी कैंप जहाँ पे है, या फिर आर्मी का जहाँ पे कैंटीन है उस जगह पे ज़्यादा ये मशीन यूज़ होता है। ये मशीन ग्रेवी बनाने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि ओनियन का, टोमेटो का, गार्लिक का, या फिर अपना अदरक का है, इस सब चीज़ों का ग्रेवी बनाने के लिए ये मशीन यूज़ होता है। मैं आपको अभी ये मशीन के अंदर ये जो ओनियन है इसका पेस्ट बना के दिखाने वाला हूँ, और कैसे चलता है, क्या चलता है, इसके अंदर कौन सी जाली है वो भी डिटेल में आपको बताने वाला है। इधर से आइए जरा, ये ऑन ऑफ मेन बटन दिया हुआ है, जैसे इसको आप चालू करते हैं ये मशीन चालू हो जाता है। अभी आपने मशीन चालू किया है और यहाँ से ये एक 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 ओनियन इसके अंदर प्रेस करके डालेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया क्वालिटी वाली पेस्ट निकल रही है इसके अंदर। ये मशीन को हमने ये जाली दिया हुआ है हर एक साइज का, जिस साइज का आपको ग्रेवी बनाना है, जिस साइज का आपको पेस्ट बनाना है, उस हिसाब से ये जाली दिया होता है। मशीन के साथ 3 से 4 हम जाली देते हैं, जिस वजह से आपको जो भी ग्रेवी का थिकनेस है वो कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, इसलिए ये हमने 3 जाली ये मशीन के साथ दिया हुआ। मशीन का पूरा मशीन SS में है, फूड ग्रेडेड है, और मशीन का 1 ईयर का वारंटी है। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर कॉल कीजिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव। अभी इसके अंदर ये टोमेटो का भी ग्रेवी निकाल के दिखाएंगे आपको।